जिसमें अफेक्टेड लोग हैं वो लगभग 20 लाख लोग अफेक्टेड हैं। और इन घोटालेबाजों के जुबान खींचकर अंदर हलक में हाथ डालना पड़े, डाल करके मैं पैसे निकलवा के रहूंगा। ये जो फ्रॉड कंपनियां हैं, ये कंपनियां खुलती कैसे हैं? क्या इन्हें लगता है हम इन्हें छोड़ देंगे? नहीं, असंभव है। इन्हें जिन लोगों ने लाइसेंस दिया, क्या उनके पास इनका एड्रेस नहीं है? भ्रष्टाचार अगर हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? उसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर है जिनको हमने प्रधानमंत्री बनाया है, मंत्री बनाया है, जनप्रतिनिधि बनाया है। ईस्ट और इंडिया कंपनी के नाम के खिलाफ आप लोग जो यहाँ जंतर मंतर पे आए हैं, पहले भी आ चुके हैं आप लोग, क्यों बार बार आ रहे हैं जंतर मंतर पर? अब क्या मांगे आपकी? सर, मांग हमारी सिर्फ इतनी सी है कि जो हम लोगों का पैसा ईस्ट और इंडिया लेके भागी हुई है, कई हजार करोड़, 20,000 करोड़ की जी 20,000 करोड़ है समथिंग, ठीक है सर, तो वो हमें पैसा वापस चाहिए किसी भी स्थिति में। इसलिए हम बार बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बार बार रैली कर रहे हैं, तो हमें वो पैसा हमारा चाहिए। मेहनत का पैसा है, फ्री का पैसा हमारा है नहीं। और तमाम हमारे साथ काफ़ी लोग हैं जिनों का पैसा है, किसी का 25 लाख है, किसी का 50 लाख है, किसी का 1 करोड़ है, वो सब लोग लेके जा चुके हैं यहाँ से। तो हमारा प्रयास यही है बार बार रैली करने का, धरना प्रदर्शन करने का, कि हमारा पैसा हमें वापस मिले किसी भी स्थिति में हमें मिले। थोड़ा टेक्निकली बताइए कि हुआ क्या था, किस तरीके से उसने आपके पैसे का गबन किया, जो ईस्ट और इंडिया बोल रहे हैं, और क्या कह रहे हैं उसके मालिक, कहाँ हैं अभी? सर, इस बारे में विस्तार में हमारे सुधीर सर बता पाएंगे आपको डिटेल में। सर, जैसे आप देख ही रहे हैं कि ये ईस्ट और इंडिया नाम से इनका ब्रांड नेम था, और जो रजिस्टर्ड कंपनी थी वो एक्सेस ई कॉर्प सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड थी, जो नोएडा में सेक्टर सी थ्री सेक्टर 6 में ये स्थित है। और प्रॉपरली इन्होंने ग्राउंड वर्क भी किया था, ग्राउंड पे उनके लगभग 300 स्टोर ओपन हुए थे, और उन्हीं स्टोर्स को हमने देख के अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया था। और इन्होंने जो हमें बताया था कि आप 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ या जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, तो हमने भी अपनी क्षमता के अनुसार इसमें 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। और हमें ये बोला गया कि स्टोर को ऑपरेट हम करेंगे, सेल परचेज की जिम्मेदारी सारी चीज़ें हमारी होंगी, स्टाफ हमारा होगा, जितना भी रेंट होगा वो हम पे करेंगे, स्टाफ की सैलरी भी देंगे, सारे एक्सपेंसेस कंपनी बियर करेगी, हमें सिर्फ इन्वेस्टेड अमाउंट का 4% प्लस स्टोर पे जितनी भी सेल होगी उसका 5% हमें अगले 35 महीने तक मिलना था। और उसके बाद जब 35 महीने के बाद 3% हमें लाइफ टाइम हमें मिलना था, जो कि जैसे सभी का स्टोर अलग अलग डेट में ओपन हुआ था। मेरा स्टोर पिछले साल 2 अप्रैल 2022 में ओपन हुआ था, और लगभग 2 या 2.5 महीने चला, और उसके बाद मेरा जो कमीशन था, जो मुझे फिक्स अमाउंट मिलना था, वो सिर्फ 1 महीने आया। और जुलाई 2022 उसके बाद इन्होंने ना तो स्टोर को मेंटेन किया, ना ही स्टाफ की सैलरी दी, और ना ही जो स्टोर का एग्रीमेंट था, रेंट था, ना ही वो पे किया, और ना ही किसी भी इन्वेस्टर को जो कमिटेड अमाउंट था वो पे किया। और उसके बाद में अभी ये बोल रहे हैं कि हम दुबई में हैं, कभी कहीं बोलते हैं, कभी कहीं बोलते हैं, और पैसे के नाम पे बस झांसा ही दिए जा रहे हैं, कभी यूट्यूब पर लाइव आ जाते हैं। कब हुआ आप लोगों के साथ घोटाला? तकरीबन एक साल हो चुका है, लगभग जून 2000। नुकसान हुआ है इसमें जो टोटल अमाउंट है, जो घोटाला हुआ है, वो लगभग 20,000 करोड़ का है, और जिसमें अफेक्टेड लोग हैं वो लगभग 20 लाख लोग अफेक्टेड हैं। विजय जी, आप जो समर्थन के लिए आए, इतना सारा टेक्निकल इशू है, क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? मैं विजय कुमार, रचनात्मक जनमोर्चा पार्टी से, और मैं इनका पूर्णतः समर्थन करता हूँ। और इन घोटालेबाजों के जुबान खींचकर अंदर हलक में हाथ डालना पड़े, डाल करके मैं पैसे निकलवा के रहूँगा, और इन लोगों को इनका हक दिलवा के रहूँगा। ये जो फ्रॉड कंपनियाँ हैं, ये कंपनियाँ खुलती कैसे हैं? क्या इन्हें लगता है हम इन्हें छोड़ देंगे? नहीं, असंभव है। इन्हें जिन लोगों ने लाइसेंस दिया, क्या उनके पास इनका एड्रेस नहीं है? उनके पास भी इनका एड्रेस होगा, इनके पास इनका पूरा बायोडाटा होगा। और यदि ये फ्रॉड कंपनियां हैं, तो इन्हें जब लाइसेंस दिया गया, इनके कागजों को चेक क्यों नहीं किया गया? प्रशासन भी दोषी है, ऐसे लोगों को क्यों लाइसेंस देते हैं जो बीच में आकर जनता को, भोली भाली जनता को लूटते हैं, ठगते हैं, और नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सरकार मिली हुई है, सिस्टम में कहीं ना कहीं खामियां तो हैं, जो ऐसे लोगों को लाइसेंस दे देती हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स ही कंप्लीट नहीं होते। सरकार और सक्सेना जी, पार्टी लेफ्ट डेमोक्रेसी से आए, आप समर्थन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार को, क्या कहना चाहेंगे? मैं पार्टी लेफ्ट डेमोक्रेसी से विमल कुमार सक्सेना हूँ,
ऑल इंडिया पार्टी लेस डेमोक्रेसी का हमने देशव्यापी संगठन बनाया है, जिसका एक ही काम है, भ्रष्टाचार अगर हो रहा है उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? उसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर है जिनको हमने प्रधानमंत्री बनाया है, मंत्री बनाया है, जनप्रतिनिधि बनाया है या प्रशासन। अगर कोई यहाँ से गबन करके किसी का पैसा मेहनत की कमाई लेकर के भागता है, देश विदेश में भागता है, आप एक कदम भी किसी का पैसा छीन के नहीं चल सकते और वो देश से बाहर चला गया, लानत है इस देश की सरकार को। ऐसे आदमी को फौरन पकड़ना चाहिए, उसे लाइए। आपने उसे लाइसेंस कैसे दिया? आरबीआई की टर्म्स एंड कंडीशन होती है ऐसी फाइनेंशियल संस्थाओं को खोलने की, क्या वो आरबीआई से भटक गया था? और अगर भटक गया था वो बाहर कैसे निकल गया? यानी कि सरकार की मिली भगत जरूर कहीं ना कहीं होगी। ऐसे लोगों के लिए हमने पार्टी ऑफ डेमोक्रेसी संगठन बनाया है कि ये पार्टियां ही जड़ हैं सारे भ्रष्टाचार की इस देश के अंदर। आप जितने भी जन समस्याओं से ग्रसित हैं वो सारी इन पार्टियों की देन है। तो मैं ये कहूंगा, जिन लोगों का मेहनत की कमाई, जिनकी मेहनत की कमाई इन लोगों ने कमाई, उनको हम लाके रहेंगे, पाके रहेंगे, उनके लिए लड़ेंगे और जीतेंगे भी। पांडे जी, कृपा शंकर पांडे जी, जरा आइए। बहुत बड़े विचारक हैं आप और सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं, अमूल क्रांति के जनक हैं आप। और क्या लग रहा है आपको कि ये जो बातें चल रही हैं, इतने सारे लोग आज खड़े हैं, इनको बहुत सारे लोगों ने अलग अलग संगठन समर्थन दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अमूल क्रांति का संस्थापक हूँ और नेशनल पार्टी लेस डेमोक्रेटिक अलायंस का भी संस्थापक हूँ। हमने ये चीज़ इसीलिए बनाया कि ये सब जो चीज़ें चल रही है, आर्थिक भ्रष्टाचार, हमने एक आर्थिक भ्रष्टाचार इसको नाम दिया है। एक किताब भी हमने लिखा, नोटबंदी आगे क्या, उसमें बहुत सारा डिटेल दिया है। और ये सब जो हो रहा है उसमें है, ये सब होना है। लोग जो हैं, ऐसी ऐसी जो स्कीमें आती हैं कंपनियाँ लेकर के, उसमें फंसते रहते हैं। बहुत सारा है, सहारा का है और सबका है। हम लोगों को ये चाहिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन होना चाहिए। और इनका जो मामला है, इसी को क्यों ना हम एक मॉडल जैसा बनाएं। अगर ये सहमति देंगे तो हम सारे लोग इनके साथ मिलके, इनके सारे पेपर्स स्टडी करके, जैसे हम दिल्ली में सोच रहे हैं कि एक मॉडल बनाए, एक सरकार दे दें, वैसे आर्थिक भ्रष्टाचार का इनका जो मामला है इस पर हम एक विजय हासिल करें और लोगों को एक सबक सिखाएं और भी कंपनियों को सबक मिले, ये मैं कहना चाहता हूँ। हम सब साथ हैं। हम जल्दी इनके साथ एक मीटिंग फिक्स करेंगे और मीटिंग फिक्स करके हम इसकी तह तक जाएंगे और इसको सिद्ध करके देंगे कि ये जो गलत है वो जेल जाएं और इनको पैसे मिले, उनकी प्रॉपर्टियां जब्त हो। जय हिंद। हाँ, वकील भी है। सिर्फ ये बात बताइए कि ई स्टोर इंडिया जिस तरह से पैसा लेके भाग रही है, सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, एक अभी जल्द का एग्जांपल है, उदाहरण है वो तुर्की का। और कंस्ट्रक्शन कंपनी ने क्या किया कि बेसमेंट में उसको भूकंप निरोधक बनाना चाहिए था, लेकिन उसमें टायर यूज कर दिया और जितने ठेकेदार थे सबको सूट करके उसको फांसी की सजा दे दिया गया और उसको जला दिया गया उसी टायरों के बीच में। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक कानून तगड़ा नहीं होगा, आपराधिक आर्थिक अपराध जो होता है बिना अधिवक्ता, मैं कहना चाहता हूँ कि ये सबसे बड़ा क्राइम है। इस क्राइम को फांसी की सजा होना चाहिए और इसको अमेंडमेंट, अगर जनता की सरकार आएगी, पार्टी लोग डेमोक्रेसी संगठन आएगी, जब तक जनता नहीं जागेगी, जनता को हम जगाने आए हैं। और आइए। हाँ, और मैं कहना चाहता हूँ कि हम इनके समर्थन में इनकी आवाज उठाएंगे, हम कोर्ट में भी उठाएंगे, हर जगह उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समर्थन देना चाहेंगे इन लोगों को आप? बिल्कुल, मैं हृदय के गहराइयों समर्थन देना चाहूंगा। जो कष्ट कमाई का पैसा लेकर विदेशों में भाग गए और ये न्याय के लिए ना कोर्ट कचहरी में जा रहे, धरना प्रदर्शन कर रहे, जंतर मंतर पर अपनी आवाज उठा रहे हैं, अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं कि आए कोई हमें न्याय दिलाए और हमारे मेहनत कस पैसे को वापस लाए। और बड़ा घोर अचंभा है जो यहाँ कोई धांधली करता है, चोरी करता है, ठगी करता है, लूट करता है, इस समाज के अंदर घुस जाता ना तब पकड़ में आ जाता है और इससे बाहर चला जाता ना तो पकड़ में आता है। 20,000 करोड़ का कोई छोटा घोटाला नहीं है, इतना बड़ा घोटाला कर विदेश भाग जाए और न्याय नहीं मिल रहा, कमाल की बात है। एक फोन करें यहाँ से केंद्र सरकार या विदेश मंत्रालय, भाई हमारे 4-5 ये ठग फ्रॉड चीटर
भाई आपके दुबई देश में घुसे हुए हैं और इनको चिन्हित करो और बाहर निकालो और हमें सौंपो हमारे दोषियों को हमारे अपराधियों को, तो न्याय मिले इनको। ये क्या तरीका है न्याय का? और दूसरा एक बहुत जो बात जो समाज में इस सिस्टम में चल रही है वो ये है, जो गया धन पछापा मांगा है। अगर आप किसी कोर्ट में या थाने में जाकर कहोगे ना मेरा फलाने ने ठगी कर दी, कितने कर दी, इतने की कर दी, अरे तो वो अपना अंदाजा लगाने लग जाए मुझे कितने मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। हाँ, तो आप अपना कुछ हिस्सा तो रखो ही नेशनल मीडिया वालों को, बिल्कुल अब तुम्हें भी कुछ हिस्सा मिलेगा, कुछ रखो जो थाने में जो रिपोर्ट लिखवाओ कुछ मिलेगा तुम्हें, और कुछ पकड़ो एक पार्टी सत्ताधारी अब तुम्हारी पार्टी में भी देंगे। 20,000 करोड़ रुपया थोड़ा होता है क्या? उनको थोड़ा सा जब ये लालच के दाने फेंक लाग रहे हैं, तुम नेताओं के आगे लालच के दाने फेंको, जब तुम न्याय मिलेगा ना न्याय नहीं मिलेगा। लालच का जो आपने कहा उसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। मैं अपने यहाँ बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में एसएसपी ऑफिस में फिर 1 महीने मैंने चक्कर लगाया, पर किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। फाइल को यहाँ से वहाँ पर, वहाँ से वहाँ पर कि आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कभी बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, कभी बोलते हैं कि आपकी फाइल एसएसपी साहब के पास पहुँच गई, पर अभी तक उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। छोटे चोर हैं, छोटे ठग हैं, छोटे उच्च लेवल की बात है, उनकी समझ से बाहर, उनकी समता से बाहर। हम 1 सेकंड भाई आखिरी बात का गजाल लग रहा हूँ भाई, हम पार्टी लेस डेमोक्रेसी से ये लूट खसोट ठगी बेईमानी चोरी चकारी सब बंद करवा देंगे, जरूरत नहीं रहेगी किसी ने, सारी चीजों का संसाधन उनके पास होगा, किसी ने अपने जमीन से गिरने की जरूरत नहीं रहेगी। हम ऐसी पार्टी ने डेमोक्रेसी का एक रोल मॉडल दिल्ली में लाना चाहते हैं, जिसमें अभी आप सभी का साथ सहयोग और आशीर्वाद अपेक्षित रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।